अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है बेटा। सो हमने स्टार्ट करना है स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स आपको पता है न्यू टॉपिक है। इसके फर्स्ट टाइम पेपर हो रहे हैं एग्जाम्स में, तो इसके आपको पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब तरह के, पहले जो नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने। सो स्टार्ट करते हैं बेटा स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? स्पेस फिजिक्स में बात करेंगे कि ये स्टार्स, गैलेक्सीज और हमारे यूनिवर्स की बात करेंगे, और हम बात करेंगे हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे, हबल थ्योरम की बात करेंगे, आपके सोलर सिस्टम की बात करेंगे, डे और नाइट कैसे आता है इसकी बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, यू नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब हम बात करते हैं ना मैसेस की, बड़े बड़े मैसेस की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या होती है ग्रेविटी? सुना है आपने ग्रेविटी क्या होती है? व्हाट इज ग्रेविटी? आपको पता है सन की ग्रेविटेशन पुल होती है, अर्थ की ग्रेविटेशन पुल होती है। होती क्या है? एवरी मैस अट्रैक्ट द अदर मैस। हर मैस दूसरे मैस को पुल करता है, हर मैस दूसरे मैस को पुल करता है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन पुल। एवरी मैस अट्रैक्ट द अदर मैस, एवरी मैस अट्रैक्ट द अदर मैस, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन पुल। इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसकी एग्जाम्पल है वेट। अर्थ आपको नीचे पुल कर रही है ना, आपका वेट क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की एग्जांपल है। और सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, भाई हर चीज स्ट्रेट जाना चाहती है ना, इनर्शिया की वजह से घूम रहे हैं। अर्थ के अराउंड मून घूम रहे हैं, कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशनल पुल घुमा रही है। तो ग्रेविटेशनल पुल की एग्जाम्पल क्या है? यू नो फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द बॉडी, चल क्यों नहीं रहा, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द बॉडी, फोर्सेज बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन एंड अर्थ, दे आर वॉट? दे आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप कहेंगे सर हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है, तो हम एक दूसरे को चिपक क्यों नहीं जाते? मैं छत से क्यों नहीं चिपक रहा, दीवार से क्यों नहीं अटैच हो रहा, आपस से क्यों नहीं जोड़े? बेटा हमारे आपस के अट्रैक्शन अर्थ की अट्रैक्शन के कंपेरिजन में बहुत कम है। अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है ना, तो उसकी पुल बहुत ज्यादा है। हमारी आपस का जो मैस है, आपस की जो अट्रैक्शन है, वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। और दूसरी रीजन क्या है इसकी? यू नो दूसरी रीजन ये है कि जितने मैसेज मेरे इस तरफ हैं जो मुझे उधर को पुल कर रहे हैं, उतने मैसेज इस तरफ हैं जो उधर को पुल कर रहे हैं, उतने मैसेज उधर हैं आगे पुल कर रहे हैं, उतने मैसेज पीछे जो पीछे पुल कर रहे हैं। फोर्स बैलेंस हो रही है, अर्थ की फोर्स बैलेंस नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? ओके, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल ये आपका सन है, सन सन के अबाउट ये अर्थ घूम रही है। आपको पता है इस अर्थ को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, इनवर्ड फोर्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रिपेटल फोर्स। वो कहां से मिल रही है? जो ग्रेविटी है ना, वो घुमाने में यूटिलाइज हो रही है, वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको घुमा रही है। अच्छा बेटा, तो ग्रेविटेशन पुल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और फिर जितना मैस ज्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशन पुल ज्यादा होगी। ग्रेटर द मैस लार्जर द ग्रेविटेशन पुल। जितना मैस ज्यादा होगा उतनी उसकी पुल ज्यादा होगी। सन की ग्रेविटेशन पुल ज्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटेशन पुल ज्यादा है मून के कंपैरिजन में। यू कैन कंपेयर विद द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। पता है अर्थ 1 kg मैस को कितनी जोर से पुल करती है? 10 N/kg। 1 kg मैस को अर्थ 10 N से पुल करती है। मून कितनी जोर से पुल करता है? 1.6 N/kg। तो मून पे जाके आप हल्के हो जाएंगे। अगर आप वेट कॉन्शियस है ना, मून पे जाके वेट करें, कम आएगा आपका वेट, ठीक है जनाब। अच्छा भाई, लार्जर द मैस लार्जर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपने पॉइंट लिख लिएंगे। जो अगर मैं तेज चल रहा हूं तो पॉज कीजिएगा, लिख लीजिएगा पॉइंट्स को बेटा। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ये वही है। अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड 10 N/kg है, और मून की ग्रेविटेशन फील्ड जी की वैल्यू होती है ना, जी, W=mg, ये वाला जी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्बिट्स एंड स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। हम स्पीड ऑफ प्लैनेट, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ना प्लैनेट की, मून की, उसकी बात करते हैं। हाँ जी, आपको पता है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं या अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व कर रहा है, इनका ऑर्बिट ऑर्बिट नियरली सर्कुलर है। नियरली सर्कुलर क्यों बोल रहा हूं? बेसिकली एलिप्टिकल है। इलिप्टिकल क्या होता है? एक सर्कल को पंच मारे तो उसकी शेप इस तरह की हो जाएगी, इलिप्टिकल हो जाएगी। ज्यादा इलिप्टिकल नहीं है, नियरली सर्कुलर, तो आप कह सकते हैं देयर इज सर्कुलर मोशन। अप्रोक्सीमेटली प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। नियरली क्यों बोला? क्योंकि इलिप्टिकल होते हैं बेसिकली। अच्छा, इन रियलिटी द ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल।
ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं जैसे बताया मैंने आपको। अच्छा इसके बाद एलिप्टिकल का मतलब होता है कि वो सर्कल यूं गोल होता है, एलिप्स थोड़ी यूं होती है, यूं एलिप्स यूं होती है। अच्छा जो प्लैनेट्स और मून इन ऑर्बिट पे घूम रहे हैं ना, उनकी एक स्पीड है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड, अर्थ की भी एक ऑर्बिटल स्पीड है, मून की भी एक ऑर्बिटल स्पीड है। और स्पीड निकालते कैसे हैं आप सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो क्या यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा आप मुझे सोच के बताओ, जो बॉडी सर्कल में घूम रही होगी तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, एक राउंड में, टेल मी हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन वन कंप्लीट साइकिल, 2πr, वन सर्कमफेरेंस, 2πr डिस्टेंस कवर करेगी। और जो टाइम लेगी वो क्या होगी, एक चक्कर खाने के टाइम को बोलेंगे वन टाइम पीरियड। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, 2πr सर्कमफेरेंस की वैल्यू, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr ओवर टी, 2πr ओवर टी, स्पीड इज इक्वल टू 2πr ओवर टी। अब बेटा इस फॉर्मूले का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या मतलब, आपको गिवन हो अर्थ और सन का डिस्टेंस गिवन हो, आर डिस्टेंस गिवन हो, हमें पता है अर्थ कितने देर में चक्कर पूरा करती है सन के अराउंड, एक साल 365 डेज, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर आप क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको स्पीड पता है, टाइम पीरियड पता है, तो आप आर भी निकाल लेंगे। तो इसमें तीन अननोन्स है ना, तीन वेरिएबल है, वी आर टी, दो पता होंगे तो आप एक निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। फॉर्मूला वही है 2πr ओवर टी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ एनी प्लैनेट। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी ऑफ प्लैनेट या एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी कैसे होती है, क्या होती है एनर्जी, जो कि सर्कुलर मोशन में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, दो एनर्जीज है ना, मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रहा है ना, जो चीज मूव कर रही होती है, पोजेसिव काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी एनर्जी बच्चों, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो पोजेसिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट पोजेसिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होता है। तो जो भी प्लैनेट्स मून रिवॉल्व कर रहे हैं उनके पास दो एनर्जीज हैं, नंबर वन कौन सी एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, मोशनल एनर्जी होती है। और दूसरी कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, अट्रैक्टिव फील्ड में है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, अब जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, तो बेटा हमारी स्पेस बहुत बड़ी है, स्पेस बहुत बड़ी है, अनइमेजिनेबली बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो डिस्टेंसेस जो है ना वो मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर में है। तो इन लार्ज डिस्टेंसेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े डिस्टेंसेज होते हैं। जो डिस्टेंसेज होते हैं ना बेटा, स्पेस के जो डिस्टेंसेज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि सन जो अर्थ से पता कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। इसी तरीके से बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है ना। तो हम इन डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक और यूनिट लेते हैं लाइट ईयर। हम इन डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं लाइट ईयर। डिस्टेंसेस इन सोलर सिस्टम आर ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबली बिग, द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच किलोमीटर। तो हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लाइट ईयर। What is light year? The distances are expressed in terms of light year. Light year. One year, light year क्या होता है? The distance covered by light in one year. कि light की speed से आप एक साल तक चलते रहें, तो जितना distance cover करेंगे, उसको बोलेंगे one light year. Light year. Light year वो distance होता है जो light एक साल तक चलती रहे, तो जितना distance cover करेंगे, उसको बोलते हैं one light year. निकालें कितना होता है distance? Okay. Light की speed कितनी होती है? Speed of light c होती है ना? 3×10⁸ meters per second. क्या मतलब है? एक सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करती है। ये कितना बन रहा है? 3×10⁸ किलोमीटर में लिए 300,000 kilometers in one second. लाइट एक सेकेंड में 300,000 kilometers कवर करती है। 300,000, can you imagine? लाइट एक सेकेंड में कवर 300,000 kilometers in one second. तो लाइट अगर एक मिनट तक चलती रहेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? एक घंटे तक चलती रहेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? और एक एक साल तक चलती रहेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अभी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? S is equal to VT. What is S? Distance. S is not speed. अच्छा, distance. V क्या है? Speed और velocity. T क्या है बेटा? Time. तो अब जरा निकालते हैं डिस्टेंस। स्पीड कितनी है? 3×10⁸.
टाइम कितना है जरा, टाइम 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 है जी, कितना टाइम है 365, एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है। वन लाइट ईयर टाइम नहीं है, वन लाइट ईयर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस, टाइम लेंगे 365 ये तो डेज है ना। आप एक इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक बड़ा सा आंसर आ जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, करके देख लीजिएगा। तो ये होता है वन लाइट ईयर, इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है जो मीटर्स में आ जाएगा आपके पास। वन लाइट ईयर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है बेटा। और आपको पता है हमारे जो क्लोजेस्ट स्टार है, सन तो क्लोजेस्ट है ना, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी इसका नाम है, और ये 4.2 लाइट ईयर दूर है, 4.2 लाइट ईयर दूर है प्रॉक्सिमा मैक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी ये हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है जो नेक्स्ट स्टार है। तो ये इजी बात थी, आपको समझ में आ गई, कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, एवरी मास अट्रैक्ट्स अदर मास, इसकी एग्जांपल वेट है, और जो सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनकी पुल है, तभी वो सर्कुलर मोशन में है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्लैनेट्स कैसे होते हैं और प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, वो नियरली सर्कुलर होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल होते हैं। और हमने पढ़ा जो एनर्जी होती है सैटेलाइट की या प्लैनेट्स की या मून की, वो काइनेटिक भी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होती है। और फिर हम इनको डिस्टेंसेस, चूंकि बहुत बड़े होते हैं, हम डिस्टेंसेस को लाइट ईयर में रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज वन लाइट ईयर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वन ईयर। अगर लाइट एक साल तक चलती रहे तो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको बोलते हैं वन लाइट ईयर। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं अर्थ की, जहां पे हम रहते हैं ना, अर्थ हमारा घर। डे नाइट कैसे आते हैं, सीजंस कैसे आते हैं। सो डे नाइट का पता है आपको, कैसे आते हैं डे नाइट। अर्थ स्पिन कर रही है ना, अपनी एक्सिस के अराउंड, एक्सिस है इसके अराउंड स्पिन कर रही है, वो लाइट जल रही है, सन एक लाइट जल रही है। तो क्या होगा, जब घूमते 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 जो एरिया सन के सामने आ जाएगा वहां पे धूप होगी, डे हो जाएगा, जो उसके ऑपोजिट हो जाएगा वहां पे नाइट हो जाएगी। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, यू नो डे नाइट कैसे आते हैं। डे नाइट कॉज बाय द अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस। और क्या होता है, द साइड ऑफ द अर्थ, जो साइड ऑफ द अर्थ जो सन को फेस करेगी वहां पे डे होगा, और जो ऑपोजिट साइड होगी वहां पे क्या होगी, वहां पे रात होगी। तो यू कैन सी द अदर साइड इज डार्कनेस। अब ये क्या है, यहां पे देखिए, यहां से लाइट आ रही है, ये सन है यहां पे, और ये अर्थ का वो पार्ट जहां पे डे है, और अर्थ का वो पार्ट जहां पे रात है, ठीक है। तो ये अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। और रोटेट करने से क्या हो रहा है, कभी कभी हम सूरज के सामने आ जाते हैं तो हमें डे टाइम हो जाता है, और हम घूमते घूमते ऑपोजिट चले जाते हैं तो रात हो जाती है। पुराने जमाने में लोग क्या समझते थे कि अर्थ रुकी हुई है, सन उसके अराउंड उसका तवाफ कर रहा है, चक्कर खा रहा है। बाद में पता चला कि सन बेचारा रुका हुआ है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट। और किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। आपको लगता है ना सन आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, देखो सपोज ये सन है या अर्थ है, हमें ऐसा लगता है कि सन यूं आ रहा है, सन यूं नहीं आ रहा, हम यूं जा रहे हैं, ये ईस्ट है ना, हमें लगता है सन जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, असल में ये ईस्ट टू वेस्ट नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। मेरी इस फिंगर को देखो, ये वेस्ट है और ये ईस्ट, इस तरफ जा रहे हैं हम, इस तरफ जा रहे होते हैं, हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि सन यूं आ रहा है। तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रही है। और हमें फीलिंग क्या आ रही है कि अर्थ सन आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, क्लियर। तो डे नाइट स्पिनिंग की वजह से एक्सिस के अबाउट। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं सीजंस। सीजंस क्यों आते हैं जनाब, सीजंस आते हैं बेटा, सीजन की जो मेन रीजन है ना सीजन आने की, वो है अर्थ का सन के अराउंड घूमना टिल्ट की वजह से। यू नो अर्थ जो है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, यू नो इसका जो एक्सिस है ना, ये वर्टिकल लाइन होती नहीं यू, फॉर एग्जाम्पल अर्थ सन के अबाउंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, उसका वर्टिकल लाइन ये बनती है ना, तो उसका एक्सिस यू नहीं है, थोड़ा यू टिल्टेड है। यहां पे लिखा हुआ 21.5 23.5 है, 23.5 पे अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, टिल्टेड। इस टिल्ट की वजह से सीजन कैसे आते हैं अभी सुनिएगा। ये देखो बेटा, ये सन है और ये अर्थ है, ये टिल्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो ऐसे टिल्ट कर, ऐसे घूम रही है ना यूं, ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा स्फीयर है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होती है,
और ये साउदर्न हेमिस्फीयर होती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर, ये सन। अच्छा बच्चे, अब जब अर्थ यहां पर है ना, इस जगह पर है, तो देखो ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है, इसका ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहां पे कम हीट पहुंचेगी, यहां पे सर्दियां होंगी, विंटर होगी। और जो नीचे वाला पार्ट है ये सन के करीब है, यहां पे क्या होगा, यहां पे गर्मी होगी, यहां पे गर्मी होगी। तो ये दिसंबर में ऐसा सीन होता है, दिसंबर में नॉर्दर्न पार्ट में विंटर होती है और साउदर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वहां पे गर्मियां होती है। देखो ये अगली फिगर में ज्यादा समझ में आएगा, ये देखो नजर आ रही है हल्का सा। अच्छा बेटा, ये सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ का एक्सिस देखिए, इसके टिल्ट की वजह से क्या है, ये वाला पार्ट जो है ना ये सन के करीब है, तो यहां पे क्या है, ये सन के करीब है तो यहां पे समर है, समर यहां पे गर्मी है और यहां पे नीचे सर्दियां हैं। अच्छा, ये घूमते 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 जब यहां आ जाएगी तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से दूर हो जाएगा, तो यहां पे सर्दियां होंगी और यहां पे गर्मियां होंगी, तो टिल्ट की वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो इस जगह पे समर, नॉर्दर्न की बात करते हैं क्योंकि हम ऊपर नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं, नॉर्दर्न की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न में क्या होगा, इस जगह पे समर होगी, इस जगह पे विंटर होगी, और यहां पे क्या है ऑटम और यहां पे क्या है स्प्रिंग। और ये जो है ना आपका इक्वेटर, इक्वेटर पे सीजन चेंज ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इक्वेटर पे गर्मी होती है हर वक्त, इक्वेटर ऑलमोस्ट सन के सामने होता है इसलिए हर वक्त गर्मी होती है। तो मैं बता चल गया सीजन क्यों आते हैं, टिल्ट की वजह से, थोड़ा दोबारा कैमरे पे चलो। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं मून की, मून क्या है जी, मून क्या होता है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून इज ए ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और मून कभी आपको पूरा ब्राइट नजर आता है, कभी आपको बिल्कुल काला नजर आता है, कभी क्रिसेंट नजर आता है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि मून की अपनी लाइट तो है नहीं ना, मून सन की लाइट पड़ती है मून पे और मून हमें चमकता हुआ नजर आता है। मून ओपेक बॉडी है ना, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब होता ही है, अब ऐसे सपोज करें यहां से देखें ये अर्थ, मिट्टी पूरा नजर आ रहा है देखो नीचे तक। अच्छा तो ये देखिए ये सन है, सन, ये सन, सन से रेज आ रही है, अर्थ यहां, आप यहां बैठे हैं, अब ये मून है, तो मून के इस एरिया पे लाइट पड़ेगी ना, इस एरिया पे लाइट पड़ेगी तो ये तो आपको नजर नहीं आएगा, आप तो यहां पे बैठे हैं ना, आपको मून क्या नजर आएगा, डार्क ही काला नजर आएगा, ये मून काला नजर आएगा क्योंकि ये एरिया ब्राइट हुआ है, आपको डार्क नजर आएगा। अच्छा, अब मून घूमते 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 यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंचा यहां में मून, तो सन की जो लाइट है वो तो यहां पड़ रही है और ये एरिया ब्राइट है, लेकिन आप तो इधर से देख रहे हैं ये एरिया ब्राइट है सन का, देखो सन का ये एरिया ब्राइट है, आप यहां से देख रहे हैं तो आपको ये वाली क्रिसेंट शेप नजर आएगी। अच्छा, फिर घूमते 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 मून यहां आ गया, लाइट यहां से आ रही है, ये एरिया ब्राइट है और आपको यहाँ आधा एरिया नजर आएगा, आपको हाफ मून नजर आएगा। अच्छा, फिर घूमते घूमते जब मून यहां पर आ जाएगा, मून यहां से लाइट आ रही है, लाइट मून पे पड़ेगी, मून का ये एरिया ब्राइट हो जाएगा, सारा सारा ब्राइट हो जाएगा, तो आपको ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएगा ये। और फुल मून कब होगा, जब ये बिल्कुल इस तरह होगा, सन की लाइट आ रही है, आप कहेंगे रास्ते में अर्थ आ रही है, नहीं ये अर्थ बिल्कुल बीच में नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो यहां पे आपको फुल मून नजर आएगा, फुल ब्राइट नजर आएगा ये एरिया, क्योंकि आपके सामने इसका फुल पार्ट, रोशन पार्ट आपके सामने हो जाएगा फुल मून। इसी तरीके से घूमते घूमते इधर आएगा तो थोड़ा कम नजर आएगा, यहां पर आएगा तो और कम नजर आएगा, यहां पर आएगा तो और कम नजर आएगा, एंड सो ऑन। तो फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं, असल में मून का वो पार्ट जो सन के सामने है, उसका जो पार्ट आपको नजर आता है, अगर सन का पूरा जो सन के सामने पार्ट है वो आपको पूरे का पूरा नजर आएगा तो आपको मून फुल ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मून के फेजेस चेंज होते हैं, मून के फिजिक्स चेंज होते हैं। अच्छा, फिर एक और बात आपको बता रही थी, हमें मून हमेशा एक नजर आता है, एक साइड, हम मून की हमेशा एक साइड देखते हैं, हम मून की हमेशा एक साइड क्यों देखते हैं, क्योंकि जितनी देर में मून चक्कर खाता है ना आपके अराउंड 28 डेज में मून चक्कर खाता है ना, रिवॉल्व करता है, उतनी देर में अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, जितनी देर में उसका रिवॉल्विंग टाइम पीरियड है उतना इसका स्पिनिंग टाइम पीरियड है, जिससे अर्थ का स्पिनिंग टाइम पीरियड 24 आवर्स है ना, और रिवॉल्विंग टाइम पीरियड एक साल है ना, मून का इक्वल है अर्थ के अराउंड जो घूम रहा है और अपने एक्सिस पे जो स्पिन कर रहा है वो इक्वल है, से होता क्या है, देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अगर गौर से सुनना है, मून का ये मैंने ऑर्बिट बनाया, मून का ऑर्बिट बनाया, तो अभी मून सपोज ऐसा है, सपोज कर ले मून ऐसा है, अभी मून इस जगह पर है, इस जगह से स्टार्ट किया उसने,
अभी इसकी जो ट्राइंगल शेप है ना, मैंने जान किसकी यही शेप बनाई, पॉइंटेड शेप इस तरफ को है, पॉइंटेड शेप इस तरफ को है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये यहां पहुंचेगा, देखो जब यहां पहुंचेगा यहां, तो ये यूं हो जाएगा। अब ये देखो 90 डिग्री पे टिल्ट हो चुका है, पहले ये इधर को था, इसकी ये शेप इधर को थी ना, अब ये शेप इधर को आ गई है। ये कितना टिल्ट कर चुका है, अपनी अपनी 90 डिग्री टिल्ट कर चुका है, यूं था ना, यूं हो गया। अच्छा, घूमते घूमते यहां पर आएगा। अब देखो कितना टिल्ट हो चुका है, पहले इसकी ये साइड इधर थी, अब ये साइड इधर है, 180 डिग्री घूम चुका है ये अपने एक्सिस के ऊपर, ये इसका एक्सिस, एक्सिस पे यूं है, अपने एक्सिस पे 90 डिग्री घूम चुका है। यहां आने में ए पोजीशन से बी पे आया तो अपने एक्सिस पे 90 डिग्री घूमा, बी से ए से सी पे आया तो अपने एक्सिस पे 180 डिग्री घूम, पहले यूं था, अब बिल्कुल यूं हो गया, मतलब यूं घूम के यूं हो गया। अच्छा, घूमते घूमते यहां आएगा, तो ये इसकी शेप ये हो जाएगी। आपको हमेशा मून का ये वाला पार्ट नजर आएगा। अब ये डी पोजीशन पे आया, कितना घूम गया, 270 डिग्री। यहां तक आते हुए 90 डिग्री घूमा था, यहां तक आते हुए 180 डिग्री घूमा है, यहां तक आते हुए 270, और दोबारा यहां पर आएगा तो 360, दोबारा इसी शेप पे आ जाएगा। तो आपके सामने हमेशा ये रहेगा, अर्थ के सामने ये वाला पार्ट, यहां पे है तो ये वाला पार्ट, अर्थ के फेस ये वाला पार्ट करेगा, अर्थ के फेस ये वाला पार्ट करेगा। क्यों? जितनी देर में ये एक राउंड कंप्लीट करता है, उतनी देर में अपने एक्सिस के अबाउट। जी बेटा, तो मून भी अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, अपने एक्सिस के अबाउट भी और अर्थ के अराउंड भी एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, इसलिए आपको मून की हमेशा एक साइड नजर आती है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, दूसरा ये आप इसको देख सकते हैं, मून की पोजीशन को देख सकते हैं एक डेमोंस्ट्रेशन से। ये देखिए जरा, अगर आपको समझ आए तो, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, ये आप समझिए स्टूडेंट नहीं है, ये आप हैं, और आप ये अर्थ है, ये अर्थ है, स्टूडेंट बेसिकली अर्थ है, और ये मून है, और यहां पे सन है, सन से लाइट आ रही है, यहां पे इस जगह पे सन है, सन सन इस जगह पे, इसको अंडरस्टैंड करें, यहां पे सन है, सन की रेज आ रही है, रेज। अच्छा, अब बेसिकली द स्टूडेंट इज अर्थ, अर्थ के रेफरेंस से मून का कौन सा पार्ट इल्यूमिनेट हो रहा है? देखो, अब देखिए जब ये यहां पर है, ये आपको इस तरह नजर आ रहा है मून के पार्ट, ये मून, इसकी अलग से स्टूडेंट व्यू, स्टूडेंट व्यू में अर्थ से मून का व्यू, दिस इज मून, दिस इज अर्थ, स्टूडेंट इज बेसिकली अर्थ, और ये घूम रहे हैं। जब यहां पे पहुंचेगा तो आधा मून नजर आएगा, यहां पे पहुंचेगा फुल मून नजर आएगा, यहां पे पहुंचेगा तो थोड़ा, यहां पे आधा, और यहां पे देखो बिल्कुल बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इसके घूमने से मून के फेजेस, यू नो, रिस्पेक्ट टू अर्थ, मून की पोजीशन वो चेंज हो रही है, तो जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है ना, जो सन के अराउंड आ रहा है, वो हमें कैसा नजर आ रहा है, इसलिए मून की वो शेप चेंज हो जाती है, फेजेस ऑफ मून इस वजह से होती है। इज इट क्लियर टू यू? तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।